मस्त बन रहा है दोस्तों, देखिए मार भात। अब फटाफट चढ़ते हैं नीम पेड़ के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया दोस्तों, और देखिए इतना ही ऊपर में बालक बालक पत्ता मिलना शुरू हो गया है। देखिए चावल भी शायद कविता जी डाल दिए हैं दोस्तों, अभी देखिए डबक रहा है। इसी तरह से नीम पत्ता सुखा लेंगे टाइम में। वाह नीम छिटकी। तो नीम पत्ता का बुकनी डाल दी है दोस्तों कविता जी, अब इसको डाल देते हैं आलू को। अब हम लोग का बनेगा नीम छिटकी। तो फाइनली नीम छिटकी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, देखिए क्या ही टेस्टी बना हुआ है। तो सारा चीज बन के रेडी हो गया है दोस्तों, अब कविता जी खाना लगाने जा रहे हैं। चलिए जी लगाइए। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा गला ख़राब हो गया है, जिसके कारण से आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, समझ नहीं पाते होंगे, तो उसी के लिए आप लोग से माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने वाले हैं, जो गांव देहात का पूरा एकदम प्रसिद्ध चीज़ है। और आज खाना बनेगा दोस्तों हम लोग का मार भात और नीम छिटकी, क्योंकि गर्मी का सीज़न में ना काफ़ी टेस्टी खाना होता है और पूरा एकदम सेहत के लिए भी बढ़िया होता है, और ये चैत का महीना भी चल रहा है तो नीम छिटकी खाना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं मार भात और नीम छिटकी, है ना जी? हाँ जी। तो देखिए इधर लकड़ी वगैरह सब डाल दिए हैं चूल्हा में, और देखिए कविता जी जला भी लिए हैं ना जी, लेकिन जला नहीं है, पहले से आग था इसके लिए धुरी दे दिए धुआं। अच्छा उसी से धुआं हो रहा है ना। तो देखिए हमारा आग जल गया है दोस्तों, सूखा सूखा लकड़ी डाल दिया चूल्हा में तो पूरा एकदम बढ़िया तरह से जल गया है ना जी। अभी अदहन चढ़ा देंगे। हाँ चलिए अदहन चढ़ा दीजिए। तो चूल्हा में हम लोग अदहन भी चढ़ा दिए दोस्तों, अब पानी गर्म होगा उसके बाद चावल डाल देंगे, है ना जी। उसके बाद हम लोग का बनेगा गर्मा गर्म मार भात और नीम छिटकी। और देखिए सुबह सुबह लक्ष्मी खा रही है नीम की, ना लक्ष्मी? पूरा मजा आ रहा है। हाँ खाओ खाओ खाओ, बढ़िया से खाओ। तो अभी इधर अदहन हो रहा है दोस्तों, तब तक हम चलते हैं नीम का पत्ता लेकर के आते हैं, तब तक कविता जी इधर चावल वगैरह भी डाल देंगे, है ना जी। हम आते हैं लेकर के। तुम यहीं पर रहना लक्ष्मी, है ना, नीम की खा खा के। तो अब फटाफट चलते हैं दोस्तों, नीम पत्ता लेकर के आते हैं जल्दी से। और अभी सुबह सुबह का समय है दोस्तों, तो देखिए धूप भी नहीं उगा है, अभी बढ़िया मौसम कर दिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों जल्दी से नीम पत्ता लेकर के आते हैं, सामने में ही एक ठो नीम का पेड़ है, वहीं से लाएंगे। और इधर देखिए दोस्तों कल इतना काम हुआ है, गली में ये सब ईंटा जोड़ दिए हैं दोनों साइड का दीवार में, देखिए इधर भी जोड़ा हुआ है, इधर भी जोड़ा हुआ है, भाड़ा लगा करके जोड़ दिए थे। और अभी सुबह का समय है दोस्तों, इसीलिए वो लोग नहीं आए हैं, वो लोग टाइम पे आएंगे। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से खाना पीना बना करके रेडी होके, फिर हम लोग आते हैं मिस्त्री लोग के पास, तब तक वो लोग भी आ ही जाएंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं नीम पेड़ के पास। तो अभी हम जा ही रहे हैं दोस्तों नीम पेड़ के पास, और देखिए इधर रास्ते में ही एक ठो कितना बड़ा पेड़ है आम का, यहाँ पर पूरा एकदम फल भी आ गया है, देखिए कितना बड़ा बड़ा आम हो गया। ये देखिए अभी हो गया चैते में, ये हमको लगता है कि बैसाख जेठ आते आते पूरा एकदम पक जाएगा। देखिए यहीं से दिखना शुरू हो गया दोस्तों नीम का पेड़, देखिए कितना बड़ा पेड़ है, यहीं पर चढ़ेंगे और बालक बालक पत्ता तोड़ करके ले जाएंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों पेड़ के सामने, अब चलते हैं चढ़ते हैं। देखिए ये रहा नीम का पेड़, अब इसी के ऊपर उठते हैं। जय श्री राम। अब फटाफट चढ़ते हैं नीम पेड़ के ऊपर। देखिए कितना जल्दी ऊपर चढ़ गए। तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया दोस्तों, और देखिए इतना ही ऊपर में बालक बालक पत्ता मिलना शुरू हो गया है। ये देखिए ये सब लाल लाल पत्ता बढ़िया लगेगा, ऐसा ही पत्ता को तोड़ना है दोस्तों, जो नजगा नजगा है वही सब को तोड़ेंगे। ज़्यादा मोटा वाला ले जाएंगे ना तो वो मिक्स नहीं होगा आलू के साथ में, इसलिए छोटा छोटा वाला ले जाएंगे, जो पूरा एकदम बालक बालक है लाल लाल वाला। देखिए इधर भी है, यही नजगा सब बढ़िया लगता है खाने में। देखिए इतना सारा नीम पत्ता तोड़ लिया दोस्तों नीम छिटकी बनाने के लिए, और पूरा एकदम बालक बालक है और एकदम पूरा लोहपुहान है। अब चलते हैं इसको लेकर के, अब बढ़िया से बनाते हैं नीम छिटकी। अब चलते हैं दोस्तों नीचे उतरते हैं।
देखिए यहाँ पर खेड़ी जैसा बना हुआ है ना, इसलिए देर नहीं लगता है नीचे ऊपर उतरने में। उठने में भी देर नहीं लगता है और नीचे उतरने में भी देर नहीं लगता है। तो अब फटाफट चलते हैं दोस्तों, बढ़िया से इसको पहले धो लेंगे उसके बाद में बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा साग जैसा लग रहा है एकदम देखने में। लाल लाल पत्ता है, कुछ हरा हरा हो गया है। इसको बढ़िया तरह से धोएंगे उसके बाद में फिर इसको काट करके डाल देंगे, आलू के साथ में बनाएंगे, बढ़िया लगेगा खाने में। तो घर हम आ गए दोस्तों, अब चलते हैं इसको धोने के लिए। और इधर देखिए लक्ष्मी को अभी खेल रही है पिचकारी लेके ना। लक्ष्मी देखिए चावल भी शायद कविता जी डाल दिए हैं दोस्तों, अभी देखिए डबक रहा है, अब ये सीज जाएगा बहुत जल्दी। और इधर देखिए कविता जी भी आ गए, कहाँ गए थे जी? मौसम चालू करने के लिए। अच्छा पानी भर लिए? मिस्त्री सबको। अच्छा मिस्त्री सब आ गए है ना। अच्छा तो अब चलते हैं दोस्तों, जहाँ पर पानी भरते हैं वहीं पर धोएंगे। तो हम आ चुके हैं दोस्तों जहाँ पर हम लोग पानी भरते हैं, और यहाँ पर देखिए कविता जी पूरा एकदम फ्रेश पानी भर के रखे हुए हैं टॉप में, इसी पानी से धो लेते हैं बढ़िया तरह से। देखिए पूरा एकदम साफ हो गया, अब चलते हैं इसको बढ़िया तरह से, इसको छोटा छोटा इसको निकालेंगे उसके बाद में फिर काटेंगे। तो हम आ गए दोस्तों धो करके, लीजिए जी इसको बढ़िया से निकाल लीजिए और इसको काट करके डाल दीजिए सब्जी में। आलू सिझा लिए हैं? हाँ, सिझ गया ना। चलिए इसको छोटा छोटा तोड़िएगा ना। नहीं ताई में दे देंगे अपने, छोटा छोटा हो जाएगा। ताई में देने से छोटा छोटा हो जाएगा, सूखेगा। क्या मस्त बन रहा है दोस्तों, देखिए मार भात कितना सुंदर बन रहा है। अब बन गया, अब नभाते हैं। इधर रेदरा है, देखिए इधर कपड़ा है दोस्तों, अब इसी से उतार देते हैं नीचे। किधर रख दें जी? अंदर 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 रख दें। भात बन के रेडी हो गया दोस्तों, अब रिता यहाँ चढ़ा देंगे चूल्हा में, धीपेगा, उसके बाद नीम पत्ता दे देंगे, सूखेगा। देखिए इसी तरह से नीम पत्ता सुखा लेंगे ताई में, उसके बाद सब्जी बनाएंगे नीम छिटकी। हम लोग ऐसा ही बनाते हैं घर में, आग जोर लेंगे। तो कविता जी दे दिए दोस्तों नीम पत्ता को ताई में सूखने के लिए। हम सोच रहे थे कि इसको काट करके डालना पड़ता है, लेकिन कविता जी बोल रहे हैं कि इसको पहले सूखा लेंगे उसके बाद में इसको चूर करेंगे। चूर करने के बाद में बढ़िया तरह से बनाएंगे आलू के साथ में मिक्स करके, है ना जी? उसी तरह से बनता है गाँव देहात में नीम छिटकी। तो कविता जी को ज़्यादा मालूम है, हमको उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए हम बोल रहे थे कि काट के डालना पड़ेगा, हमको उतना ज़्यादा पता नहीं था पहले। तभी देखिए कविता जी दे दिए हैं, ये अच्छा तरह से सूख रहा है अभी। देखिए एक ताई हो गया है ना जी? एक ताई है तो इतना खून बनेगा थोड़ा सा। हाँ इतना सा बनेगा भुरभुराने के लिए पाउडर जैसा। तो अभी उधर नीम पत्ता सूख रहा है दोस्तों, तब तक चलते हैं आलू का छिलका उतार लेते हैं। देखिए आलू भी पूरा एकदम बढ़िया तरह से सीज गया है, थोड़ा पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है ना जी? ठिठर जाएगा। ठिठर जाएगा। तब ऐसे ही गर्मा गर्म छोड़ाना पड़ेगा। वाह नीम छिटकी, नीम छिटकी बनाने के लिए कितना विधि है ना जी? बहुत ज्यादा है। आलू खाएगी लक्ष्मी? नहीं खाएगी? अच्छा एक ही बार नीम छिटकी खाना, ठीक ना? ठीक। तो आलू बढ़िया तरह से छोड़ा लिए हैं दोस्तों, देखिए एक थाली आलू हो गया है। और इधर देखिए नीम का पत्ता भी सूख गया है, अब चलते हैं इसका बुकनी बनाते हैं पाउडर जैसा, है ना जी? चलिए बनाइए और जल्दी से नीम छिटकी बनाइए। देखिए ढेठा सब अलग हो जा रहा है अपने आप, है ना जी? पूरा सूख गया ना? हल्का हल्का ताव में इसको सुखाए, एकदम एक नंबर बन गया एकदम। तो नीम पत्ता बढ़िया तरह से गूंद लिए हैं दोस्तों, देखिए पूरा एकदम बुकनी तरह हो गया है एकदम। अब चलते हैं आलू काटते हैं पहले, उसके बाद में कढ़ाई चढ़ाएंगे और तेल डाल देंगे, क्या जी? चचर फरा करेंगे ना? हाँ। इसको दो ही फरा कर देते हैं छोटा छोटा वाला को।
रुको लक्ष्मी रुको। रंगरिया पापा इधर आलू काट रहे हैं और देखिए इधर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे यहाँ भूनने के लिए। अत्ताई को इधर कर देंगे अभी पहले आग जोड़ेंगे। आग बुता गया पूरा। तेल तो डाल दिया कढ़ाई में। अब देखिए अब मिर्चा टुकड़ रहे हैं, टुकड़ के रख लेंगे उसके बाद देंगे मिर्चाई। हम आलू भी पूरा काट लिए एक थाली। चलिए जी मिर्चा डालिए। गरम होगा तब ना। तेल गरम नहीं हुआ है? नहीं। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों, अब मिर्चा डाल देते हैं। देखिए फोरन देने के लिए पूरा एकदम छोटा छोटा टुकड़ ली है कविता जी, इसी को डाल देते हैं। साइड हो गया जी छिड़के का तेल। और नीम पत्ता कब डालना है बुकनी को? अभी डाल दीजिए। चलिए तो नीम पत्ता का बुकनी डाल दी है दोस्तों कविता जी। अब इसको डाल देते हैं आलू को। अब हम लोग का बनेगा नीम छिटकी क्या जी? देखिए क्या ही मस्त बन रहा है दोस्तों हम लोग का नीम पत्ता का नीम छिटकी आलू के साथ में। या इसमें हम लोग मसाला वगैरह नहीं डालेंगे दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर नमक डालना है, उसके बाद में हम लोग का रेडी हो जाएगा क्या जी? हम लोग इसी तरह से बनाते हैं नीम छिटकी। देखिए कैसा नीम छिटकी बन रहा है दोस्तों, पूरा नीम पत्ता जो है आलू के साथ मिक्स हो गया। ये देखिए कितना टेस्टी बन रहा है हम लोग का नीम छिटकी। तो फाइनली नीम छिटकी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए क्या ही टेस्टी बना हुआ है। अब चलते हैं इसको उतार देते हैं। लेके चलते हैं सीधे अंदर, अंदर में ही खाएंगे। इधर ही रख देते हैं। तो सारा चीज बन के रेडी हो गया है दोस्तों। अब कविता जी खाना लगाने जा रहे हैं। चलिए जी लगाइए। देखिए कितना फ्रेश एकदम बना हुआ है मार भात। बस कमे कमे डालिए, बहुत ज्यादा गर्म है। बस हो जाएगा। अभी कम कम डालिए जी, बहुत ज़्यादा गर्म है। चलिए जी अब नीम छिड़की लगाइए। चलिए तो हम लोग का मार भात और नीम छिड़की लग चुका है दोस्तों। अब चलते हम लोग खाते हैं। नमक डालिए जी। डाल दिए। हाँ तो अब चलते हैं दोस्तों, खाते हैं हम लोग मार भात और नीम छिटकी। इतना ज़्यादा गर्म है ना, फूक फूक के खाना पड़ेगा। देखिए लक्ष्मी खाना शुरू कर दी। हाँ मम्मी भी खा रही है। खाओ खाओ। मजा आ गया लक्ष्मी। कैसा लग रहा है लक्ष्मी, मजा? तो खाना पीना हम लोग खा लिए दोस्तों, और अभी हम लोग जा रहे हैं मिस्त्री लोग के पास, देखते हैं वो लोग क्या क्या चीज काम कर रहे हैं, है ना जी? तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।